हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आईसी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। मैं राहुल, और थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रो मैं दे देता हूँ कि 7 साल से ज़्यादा का मुझे अभी एक्सपीरियंस हुआ है टीचिंग का, और 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ, जिसमें से हजारों स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सेटल है। और अगर आप चाहते हो कि आपको हर एक लेक्चर का पीडीएफ मिलता रहे, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कैरियर टाइम एकेडमी, ये हमारा ग्रुप है, और आईसी मंत्रा, ये हमारा चैनल है। तो आप इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको लेक्चर्स के अपडेट और सभी लेक्चर्स के आपको नोट्स और पीडीएफ मिलते रहेंगे। तो आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन एज का पार्ट टू। पार्ट वन हमने बहुत अच्छे से सीख लिया था, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जिन बच्चों ने अभी पार्ट वन नहीं देखा है, तो जाके वो पहले पार्ट वन देखे, समझें कि एज है क्या, और उसके बाद ही पार्ट टू देखें, ताकि आपका बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट सेकंड, क्या बोल रहा है ये? बोला है 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी, और 3 वर्ष के बाद, ठीक है। अब देखिए, दो चीज हो गई है, ये 3 वर्ष पहले हो रहा है, ये 3 वर्ष बाद हो रहा है, तो ये लॉजिक याद रखना, अभी मैं आगे और समझाऊंगा। तो 3 वर्ष पहले 7 गुना थी, 3 वर्ष के बाद कितनी गुना हो गई? 4 गुना हो गई। तो पिता की और पुत्र की वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो इतनी बात तो हम समझ गए कि जो हमें ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन हमें वर्तमान आयु के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए पहले हम देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्या ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इतनी बात देखो, समझ लो कि जो एज में जब हम ऑप्शन यूज करेंगे, तो ऑप्शन यूज करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ऑप्शन यूज कर पाओगे। ये नहीं है कि एक ही तरीका होता है कि एक तरीके से ऑप्शन यूज हो जाएगा और बात खत्म। थोड़ा देखो दिमाग लगाना पड़ेगा ऑप्शन यूज करने के लिए। तो चलिए मैं सबसे पहले ऑप्शन की बात करता हूं, और देखिए ये 3 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद, इससे मुझे ये बात तो पता चल गई कि इस क्वेश्चन के अंदर पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, और फ्यूचर की बात हो रही है, तीनों टाइम की बात हो रही है। क्यों? मान लो पहले बोल रहा है वो 3 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही तो बोलेगा 3 वर्ष पहले। आज जैसे 2020 है, तो अब मैं बोलूंगा 2020 से 3 वर्ष पहले, मतलब 2017 में। तो यहां बात हो गई 3 वर्ष पहले, मतलब पास्ट की बात ये कर रहा है। 3 वर्ष पहले क्या था? जो फादर थे वो सन से 7 गुना थे। तो सन की एज अगर 1 हो गई, मतलब ये एज का रेशियो है, ठीक है, सन की एज का रेशियो अगर 1 हुआ, तो फादर इसके 7 गुना है, तो ये कितने होंगे? 7। तो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि फादर की जो भी एज होगी पास्ट में, मतलब 3 साल पहले, फादर की जो भी एज होगी वो कितने का मल्टीपल होगी? वो 7 का मल्टीपल होगी, ठीक है। फादर की जो भी एज होगी 3 साल पहले, वो कितने का मल्टीपल होगी? वो 7 का मल्टीपल होगी, या 7 से वो डिवाइड होनी चाहिए। तो बस अब इसी का हम यूज करके एक बार देखते हैं कि ऑप्शन का हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए, ये जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ये फादर की एज 25 यहां दे रखी है, यहां फादर की 35 दे रखी है, यहां 45, और यहां 55। बट जो ये एज दे रखी है, ये वर्तमान की है। हम क्या यूज कर रहे हैं? हम रेशियो यूज कर रहे हैं 3 साल पहले का। तो फादर की एज अगर वर्तमान में 25 है, तो -3 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पास्ट का रेशियो यूज करना है, प्रेजेंट का रेशियो तो हमें पता ही नहीं है। तो -3 करोगे तो इसकी जो एज होगी 22। अब आप खुद बताइए, क्या 22 7 से भाग हो सकता है? आप बोलोगे नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं 35 को अगर पुट करता हूं, 35 -3 करेंगे कितना आएगा? 32। क्या 32 7 से डिवाइड होगा? आप बोलोगे नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम लेंगे 45 -3 करेंगे 42। क्या ये 7 से डिवाइड होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये हमारा आंसर होगा, बट अभी हम आगे सारे ऑप्शंस एक बार देखेंगे। उसके बाद हमें दे रखा है 55। 55 -3 करोगे कितना आ जाएगा? 52। और 52 भी 7 से डिवाइड नहीं होता, तो मेरे पास एक ही ऐसा ऑप्शन आया जिसमें फादर की एज 7 से डिवाइड हो रही है, तो मेरा आंसर सी होगा, श्योर, ठीक है। ये तो हम ऑप्शन से बात समझ गए,
ठीक है। तो ये जब तुम करोगे तो ये बात ध्यान रखना, कोशिश करना कि जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब जो बात है कि हमें कॉन्सेप्ट तो सिखा नहीं है आप लोगों को, तो अभी हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो इतनी बात हम सीख गए थे कि 5 से 3 साल पहले फादर की जो एज थी वो 7 गुना थी सन से। उसके बाद 3 साल बाद देखो क्या बोल रहा है, 3 वर्ष के बाद, उसके बाद क्या बोल रहा है, 3 वर्ष के बाद 4 गुना हो जाएगी। तो सन की एज हम मानेंगे 1 और फादर की एज हम मानेंगे 4। अब मुझे एक बेसिक सी बातें बताओगे आप, मैं ये बोल रहा हूं, मुझे अगर अब मैं आपसे तुमसे ये पूछता हूं कि 5 से लेकर फ्यूचर में कितने साल का डिफरेंस आया, तो आप आंसर दोगे बेटा 6 साल का। क्यों? ये तो देखो प्रेजेंट हो गया, यहां हो गया प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट और ये हो गया फ्यूचर। तो प्रेजेंट से 3 साल का ये डिफरेंस आया और प्रेजेंट से ये 3 साल का डिफरेंस आया, तो ये पूरा कितने साल का डिफरेंस हो गया, ये 6 साल का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि पास्ट से लेकर और फ्यूचर तक जो डिफरेंस है सालों में वो 3 + 3 कितना होगा, 6 का होगा। चलिए तो ये बात आई, होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैंने क्या बोला है कि एज जो है ना वो बस एक ही कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होता है कि दो व्यक्तियों के बीच का जो अंतर होगा, है ना, दो व्यक्तियों के बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा क्या होता है, हमारा सेम होता है। तो 7 में से 1 गया डिफरेंस कितना आया, 6, और 4 में से 1 गया डिफरेंस कितना आया, 3। तो तुम देखोगे यार ये तो गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी क्या हो गई, हमने तो ये सीखा था डिफरेंस सेम होना चाहिए, बट यहां 6 आ रहा है, यहां 3 आ रहा है। तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, हम डिफरेंस सेम कर लेंगे और इस वाली रेशियो को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब जब मैं ये वाली रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 8, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 2, और 8 और 2 का अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, 6। तो ये बात सही कर ली हमने, यहां भी डिफरेंस 6 का और यहां भी डिफरेंस 6 का हमारा आ गया। अब देखिए इतनी बात समझो, ध्यान से सुनो कि ये वाली जो रेशियो थी, ये वाली रेशियो जिनसे हमारा डिफरेंस गलत आ रहा था, यहां डिफरेंस 3 बता रहा था, यहां डिफरेंस 6 बता रहा था, ये रेशियो हम काट देंगे बिकॉज ये रेशियो गलत रेशियो थी, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या देखते थे कि पास्ट से लेकर फ्यूचर में कितने साल का डिफरेंस आया, तो पास्ट में था 7 उसका रेशियो, फ्यूचर आते आते उसका रेशियो बढ़ गया, कितना हो गया, 8। कितना बढ़ा, 1 रेशियो बढ़ा, और यहां भी कितना बढ़ा, 1 रेशियो बढ़ा। 1 रेशियो क्यों बढ़ रहा है, 1 रेशियो इसलिए बढ़ रहा है कि हम पास्ट से फ्यूचर में आ गए, और पास से फ्यूचर में आने के लिए हमें कितने साल लगे, हमें लगे 6 साल। तो हम बोलेंगे कि 1 रेशियो कितने के बराबर हुआ, 6 साल के बराबर। अब हमसे पूछी थी वर्तमान आयु फादर की और सन की, तो हम लेंगे देखो पास्ट से सॉल्व करो या फ्यूचर से सॉल्व करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं पास्ट ले लेता हूं, पास्ट का अगर मैं रेशियो लेता हूं फादर का, तो बेटा कितना था, 7, तो 7 रेशियो कितने के बराबर होगा, तो आप समझिए 1 रेशियो हो गया 6 साल के बराबर। तो 7 रेशियो कितने के बराबर होगा, 7 गुना में 6 साल कितना आया, 42। बट ये जो रेशियो आया है, सॉरी ये जो हमारा आंसर आया है, ये आया है 3 साल पहले का, मतलब पास्ट का। हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था वर्तमान का, तो भाई पास्ट में मतलब वर्तमान में आने के लिए, प्रेजेंट में आने के लिए 3 साल और जोड़ने पड़ेंगे। तो 3 साल जोड़ोगे तो भाई आंसर आएगा 45 साल, और 45 साल एक ही ऑप्शन में है, तो सन की एज निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सन की एज 9 साल ही होगी। तो देखिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, ऑप्शन से भी और आपको करना भी मैंने सिखा दिया है। चलिए एक क्वेश्चन और ऐसा देखते हैं, और ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान ये चैप्टर है, ये चैप्टर कर लो क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन आने ही हैं, और वो 2 क्वेश्चन बेटा अपने पक्के कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ये हम सबसे पहले समझते हैं। तो बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले महेश की माता की आयु उसकी आयु की कितनी थी, 4 गुनी थी। तो ये बात हम लिख लेते हैं, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट
और क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे फ्यूचर। तो बोला है पहले हमसे 10 साल पहले, ठीक है। ये हो गया मदर और ये हो गया महेश। चलिए तो चार गुनी थी, तो महेश की मान लेते हैं एज का रेशियो 1 और मदर का मान लेते हैं 4। उसके बाद बोल रहा है 10 साल के बाद, ठीक है। क्या बोल रहा है 10 साल के बाद दुगनी होगी माता की आयु। तो महेश की 1 लिखी, माता की आयु हमने 2 लिखी। डिफरेंस देखा, यहां डिफरेंस आया 3 का, यहां डिफरेंस आया 1 का। बहुत बड़ी गड़बड़ी, गड़बड़ी को सही करेंगे, क्या करेंगे, नीचे केवल और केवल क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां डिफरेंस 3 था तो यहां भी डिफरेंस 3 कर लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हमें निकालनी क्या है, महेश की वर्तमान आयु निकालनी है। अब महेश का देखो यहां भी रेशियो जो है एज का वो 1 है और यहां पर भी 1 है। तो 1 को लेकर ना कभी भी ऑप्शन को यूज करने की मत सोचना, क्योंकि 1 तो बेटा हर एक नंबर को डिवाइड कर देगा ना, 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड करेगा। तो 1 अगर रेशियो में आ जाता है तो 1 को लेकर कभी भी रेशियो की तरफ मत चले जाना, टाइम वेस्ट करोगे। अब ये क्वेश्चन चुपचाप सॉल्व कर लो, क्योंकि ये सॉल्व करने से ही होना है। तो सॉल्व करना भी बहुत आसान है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बस हमें डिफरेंस सेम करना है। 3 से मल्टीप्लाई करा, कितना आया 6, यहां कितना आएगा 3, 6 और 3 का डिफरेंस कितना हो गया जी 3 ही हो गया। इसको काट दो, काट दोगे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे गलतियां कर देते हैं और पुरानी रेशियो को ही ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस 2, यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस 2, और 2 कितने के बराबर 10 प्लस 10 20। तो हम बोलेंगे कि दो रेशियो 20 साल के बराबर हुआ और 1 रेशियो हो जाएगा 10 साल के बराबर। तो महेश की जो आयु हो गई पास्ट में कितनी थी, 1 ही तो थी, तो ये 10 साल का था 10 साल पहले। कितने का था 10 साल का 10 साल पहले, बट हमसे वर्तमान की आयु पूछी है। तो भाई यहां तो ये 10 साल का है, यहां तो ये 10 साल का है, अगर हमें इसको लाना है प्रेजेंट में तो 10 साल और जोड़ना पड़ेगा। तो 10 साल और जोड़ने पर जो एज आएगी महेश की वो कितनी आएगी, 20 साल, जो कि कब की है, वर्तमान। तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन 20, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लग रही होंगी ये वीडियो और आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन है मैरिड वाले क्वेश्चन, और बहुत ही क्या बोलूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि अगर साल दो साल के गैप में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत ही इजी है। बस क्या होता है कि बहुत से टीचर इसका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा टफ कर देते हैं, बट ट्रस्ट मी बहुत आसान इसका सॉल्यूशन है। बस ध्यान से सुनने की आपको क्या करना है, बस कोशिश करनी है कि आप ध्यान से बातों को मेरी समझ पाओ, ठीक है, और सुनो। चलिए अब ध्यान दो क्वेश्चन पर। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें पढ़ना है और समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है मीना मैरिड 10 ईयर एगो, कि मीना है कोई लड़की जिसने 10 साल पहले शादी कर ली थी भाई, ठीक है। चलिए तो बोल रहा है टुडे हर एज इज 7/5 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। बोल रहा है कि उसकी जो आज की आयु है वो 7/5 है उसके शादी के समय की आयु की। तो देखिए इस बात को मैं लिख लूंगा इस तरह से कि टुडे जो उसकी एज है वो बराबर है 7/5 के, 7/5 किसका पार्ट है, मैरिज वाले जो उसका टाइम था जब उसकी मैरिज हुई थी उस टाइम के एज के अकॉर्डिंग। तो अभी हम क्या करेंगे, इस मैरिज को सरका के नीचे ले आएंगे, ठीक है, इस मैरिज को सरका के क्या लिएंगे नीचे। तो यहां हम बोलेंगे टुडे अपॉन में क्या कर देंगे मैरिज, इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/5। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आज की आयु का
जो उसका रेशियो है वो कितना है 7, और शादी के समय जो उसकी आयु का रेशियो था वो कितना था 5। क्लियर है? तो मुझे देखो, हम इस तरह से बोल सकते हैं कि आज वो 7 साल की है और शादी के समय वो 5 साल की थी। तो अगर वो शादी के समय 5 साल की थी और आज वो 7 साल की है, तो इसके अकॉर्डिंग उसकी शादी कितने साल पहले हुई? 2 साल पहले। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है जी 2 साल पहले नहीं, 10 साल पहले हुई थी। तो हम बोलेंगे ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 साल कितने के बराबर हो जाएगा? 10 साल के बराबर। मतलब 2:10 साल के बराबर। तो यहां से मैं इजीली बोल सकता हूं कि 1:1 कितने के बराबर होगा? 5 साल के बराबर। बस 1:1 में पता चल गया। अब हम सारा कुछ फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमसे पूछ क्या रहा था? हमसे बोल रहा है भैया उसकी कोई बेटी है जिसकी एज, उसकी आयु की कितनी है? 1/5 है। तो भाई व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीना एज टू हर डॉटर आफ्टर 5 ईयर। तो हमसे बोल रहा है कि आज जो मीना की आयु है और आज जो उसकी बेटी की आयु है, उसके 5 साल बाद इन दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा? बहुत ही आसान चीज है, देखो समझो। मैं मीना की एज निकालूंगा टुडे वाली, मीना टुडेज एज हम निकाल लेते हैं। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आज उसका रेशियो कितना है? 7। तो यहां लिखा 7। 1:1 कितने के बराबर है? 5 साल के बराबर। तो मीना की आज की आयु आ गई 35। ठीक है, तो यहां हमने लिख लिया बेटा मीना की आज की जो आयु है वो 35 साल है। अब बोला गया है उसकी जो डॉटर है उसकी आयु का कितना भाग है? 1/5 भाग है। तो अगर मैं इसका 1/5 भाग निकालता हूं तो 7 साल की जो एज आ गई वो उसके डॉटर की एज आ गई। राइट, ये प्रेजेंट की बात आई है। ये प्रेजेंट में इन दोनों की एज का हमने रेशियो निकाल लिया कि आज मीना की आयु 35 साल है और उसकी बेटी की आयु कितनी है? 7 साल। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे बोल रहा है जी 5 साल बाद। 5 साल बाद मतलब फ्यूचर में, आज अगर 2020 है तो 2025 में उनकी आयु का क्या अनुपात होगा? तो हम क्या करेंगे भाई, जाकर 5-5 ऐड कर देंगे, है ना। जाकर क्या करेंगे, 5-5 इन दोनों की आयु में ऐड कर देंगे। तो यहां हमने 5 साल ऐड यहां कर दिया और 5 साल हमने यहां ऐड कर दिया। तो मीना भाई 5 साल बाद हो जाएगी 40 साल की और उसकी डॉटर कितने साल की हो जाएगी? 12 साल की। अब हम रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकालने के लिए हमने क्या करा, इसको हमने काट दिया 4 से। 4 से जब इसको काटा तो ये कितना आ गया? 10। और इसको काटा 4 से तो ये कितना आ गया? 3। तो 10:3 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। देखिए कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, हमें केवल आज की जो उसकी रेशियो है आयु की वो निकालनी थी और शादी के समय जो उसका रेशियो है एज का वो निकालना था। उसके बाद ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है बहुत प्यार से। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं आपको। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन और हम देखते हैं जी। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है जी प्रीति गॉट मैरिड 6 ईयर एगो। प्रीति ने शादी कर ली 6 साल पहले और बर्बादी भी कर ली शादी कर। ठीक है, चलो तो तुम लोग बर्बादी मत करना अपनी, अब ध्यान दो। बोल रहा है टुडे हर एज इज 4 1/4, मतलब 1:1/4। अब भाई एक बात बताओ, 1:1/4 को हम कितना लिख सकते हैं? 4 का 1 में गुना करोगे तो 4+1, इसको लिख सकते हैं 5/4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान चीज है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि जो उसकी आज एज है, उसकी जो आज की एज है वो 5/4 हो गई है उसके मैरिज के टाइम की एज के। ठीक है, तो यहां लिख देंगे जी टुडे और यहां लिख देंगे मैरिड, कितना आ जाएगा? 5/4। तो भाई शादी तो 1 साल पहले हुई थी, बट क्वेश्चन लड़ने लगा, क्वेश्चन बोल रहा है पागल हो गया है क्या, 6 साल पहले हुई थी। तो 1 कितने के बराबर? 6 साल के बराबर। तो टुडे उसकी अगर हम एज निकालेंगे तो बताइए उसकी आज की एज का रेशियो कितना है? 5। तो 5:1 कितने के बराबर?
छह साल के बराबर, तो भाई आज उसकी आयु हो गई 30 साल। पर हमसे प्रीति की आयु नहीं पूछ रहा, हमसे बोल रहा है भैया उसके सन की आयु बताओ, और सन की आयु बोल रहा है कि उसकी आयु की कितनी है 1/10। तो भाई प्रीति की आयु है 30 साल, सन की आयु हमें बतानी है जो उसकी आयु की 1/10 है। तो 0 से 0 काटोगे, आंसर आ जाएगा 3 साल। कितना टाइम लगा यार, 1 मिनट नहीं लगा पूरा, ठीक है। चलिए तो आई होप आप ये मैरिड वाले क्वेश्चन अब पेपर में गलत नहीं करोगे, बहुत ही इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे 2 स्टार बना लो। 2 स्टार का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और ये अभी रिसेंटली एग्जाम में आया था, तो आगे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन यूज कर पाएंगे हम या नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन तो हम करेंगे, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि क्या सॉल्यूशन किस तरह से होगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बोल रहा है, इफ यू रिवर्स माई ओन एज द फिगर रिप्रेजेंट माई ब्रदर एज। भैया ए ने बोला कि अगर तुम मेरी एज को उल्टा कर दो, मतलब मान के चलो ए बोलता है कि मेरी एज भाई कितनी है 42 साल है, तो 42 का उल्टा कितना हो जाएगा 24, ये बोल रहा है। समझ में आया, ए बोल रहा है मेरी एज का अगर तुम उल्टा कर दोगे ना, तो जो एज तुम्हें मिलेगी वो मेरे भाई की मिलेगी, ठीक है। चलो इतनी बात हमें समझ में आ गई। बोल रहा है ही इज ऑफकोर्स सीनियर टू मी। अब बोल रहा है जी मेरा जो भाई है ना, ए ने क्या बोला, मेरा जो भाई है वो मुझसे बड़ा है। तो चलिए अब इतनी बात समझ लो, जब भी आपको टू डिजिट्स के नंबर एक्स और वाई की फॉर्म में लिखने होते हैं, ठीक है, एक्स और वाई की फॉर्म में लिखने होते हैं, तो वो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे टेन एक्स प्लस वाई। समझ में आ गया। अगर आपको 3 डिजिट्स के नंबर की जरूरत पड़ती है और आपको भाई इसको लिखना पड़ जाए किस फॉर्म में, एक्स और वाई की फॉर्म में, तो आप लिखोगे 100x+y। क्लियर है। तो देखिए अगर 2 डिजिट्स का नंबर है तो 1 बार 0 आएगी, और 3 डिजिट्स का नंबर है तो 2 बार 0 आएगी, ठीक है। तो आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे। अब इस क्वेश्चन में हम 2 डिजिट्स का नंबर यूज करेंगे, क्योंकि देखिए ऑप्शन जरा देखो, हर एक नंबर 2 डिजिट्स का है, ठीक है। तो चलिए इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई कि भाई इनकी जो एज है वो 2 डिजिट्स में है। तो यहां मैंने ए लिख दिया और यहां मैंने बी लिख दिया। अब बी के साथ मैंने एक चीज और लिख दी, ये बड़ा है, बड़ा है ना, बोल रहा है भाई सीनियर है मुझसे बड़ा है, तो बी बड़ा होगा। और ए बात बोल रहा है, कौन कह रहा है, ए बात बोल रहा है। चलिए तो ए की एज अगर हम मान लेते हैं 10x+y, तो बी की उल्टी कितनी हो जाएगी, बी की उल्टी हो जाएगी 10, और वाई यहां आ जाएगा और एक्स यहां चला जाएगा, 10y+x। इसको हम बोलते हैं कि हमने इनकी एज को रिवर्स कर दिया। चलो तो एक कंडीशन तो मेरे पास ये आ गई कि जी जो उसका भाई है ना, ब्रदर जो है इसका ब्रदर जो है ए का, वो ए से बड़ा है, एक कंडीशन तो ये हो गई क्वेश्चन की। अच्छा दूसरी कंडीशन देखें क्या है, दूसरी कंडीशन पढ़ो। उसके बाद बोल रहा है वो, द डिफरेंस बिटवीन आर्स एज इज 1/11 ऑफ देयर सम। बोल रहा है कि हमारी आयु का जो अंतर है, मान लो कि ये ब्रदर है और माइनस ए, ये इनकी आयु का अंतर हो गया। बोल रहे हैं हमारी आयु का जो अंतर है वो 1/11 है हमारी आयु के योग के बराबर। तो मुझे 2 कंडीशन दी है ना, पहली कंडीशन कि उसका ब्रदर ए से बड़ा होगा, और दूसरी कंडीशन कि हमारी आयु का जो भी अंतर है वो हमारी आयु के योग का 1/11 है। तो चलिए जरा ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि ऑप्शन कोई हेल्प कर रहा है हमारा। तो भाई मैं गया ऑप्शन की तरफ, तो मैंने पहला ऑप्शन उठाया 45। अब ये देखिए ये जो 45 है, जो ये ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे पहले आपको ये समझ रहे हैं कि ऑप्शन किसकी एज है, ये ए की एज है या उसके भाई की एज है। तो क्वेश्चन पढ़िए, देन एज ब्रदर एज, मतलब हमें ए के भाई की एज बतानी है। क्या बतानी है हमें, ए के
भाई की एज हमें बतानी है, तो ऑप्शन में ये बात तो श्योर है कि ये जो ऑप्शन है ये हमें दे रखे हैं ब्रदर की एज, ठीक है। तो ब्रदर की एज अगर मैं यहां 45 मानता हूं और 45 का मैंने रिवर्स करा तो ये कितना आ गया 54। अब 54 बड़ा है या 45? आप बोलोगे जी 54 बड़ा है, बट बड़ा तो भाई होना चाहिए था, तो एक ऐसे बड़ा हो गया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब मैं ऑप्शन बी की तरफ गया, यहां लिया मैंने 54 और यहां लिया मैंने 55। तो भाई बी मतलब जो ब्रदर है वो बड़ा हो गया ए से, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अभी होल्ड पे हम रखेंगे, फिर हम 25 करेंगे। ये आया 25, ये आ गया 52। ए बड़ा हो गया जबकि बड़ा हो नहीं सकता, तो ये गलत होगा। फिर हम लिखेंगे 52 और यहां लिखेंगे 25, तो ये वाली भी कंडीशन फुलफिल हो गई कि भाई भाई बड़ा है ए छोटा है। तो दो ऑप्शन तो हम काट सकते हैं ना, एक तो हमने 25 काट दिया, एक हमने 45। भाई 50-50 वाली लाइफ लाइन तो हमने यूज कर ली। अब मेरे पास यहां दो ऑप्शन बच गए, या तो 54 मेरा आंसर होगा या मेरा क्या होगा 52 आंसर होगा, ठीक है। तो अब आंसर इसमें से कौन सा होगा ये जानने के लिए मैं सेकंड कंडीशन देखूंगा। फर्स्ट कंडीशन से मैंने दो ऑप्शन तो कट कर दिए है ना, अब दो के बाद दो के बीच में हमारी लड़ाई रह गई, तो इसके लिए भाई सेकंड कंडीशन पे आ जाओ आप। सेकंड कंडीशन बोल रहा है हमारी एज का अंतर 1/11 है हमारी आयु के जो योग है उसके, तो आयु का योग इसको उठा लेते हैं इस ऑप्शन को 45 वाले और 54 वाले। तो मुझे एक बात बताओ, 54-45 बराबर में 1/11, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आने चाहिए हमारे, तो 54+45, ठीक है भाई, 54+45 ठीक है। तो इनका अंतर आ गया 9 बराबर में, इनका योग आया 99, तो 1/11 और 99 काटा, तो आंसर 9/9, मतलब दोनों बराबर आ गए। तो भाई ये बात श्योर है कि हमारा आंसर जो होगा वो 54 होगा, ठीक है। तो इससे ये बात वेरीफाई हो गई कि जो इनकी आयु का अंतर था वो 1/11 निकला उनकी आयु के योग के बराबर, तभी तो 9-9 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब चलिए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से होगा। तो चलिए भाई, ऑप्शन वाली चीजें मैंने मिटा दी है, आप पीछे जाकर सारी चीजें नोट कर लेना। अब इसका हम देखते हैं क्या इसका करना किस तरह से, कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो बहुत आसान सी चीजें मैं बोली थी कि दोनों की भाई जो ब्रदर था और जो ए था उन दोनों की आयु का अंतर 1/11 था इनकी आयु के योग का, तो हम यही चीज पुट करेंगे। ये हमने ब्रदर की आयु मानी है, ये हमने ए की आयु मानी है, तो हम क्या करेंगे टेन वाई प्लस एक्स माइनस क्या कर देंगे टेन एक्स प्लस वाई, ये बराबर हो जाएगा 1/11 कितना टेन वाई प्लस एक्स प्लस टेन एक्स प्लस वाई। तो भाई ये कितना आ गया, ये आ गया ऑप्शन, ठीक है, ये ब्रैकेट में होगा, इसको ब्रैकेट में कर लो, ब्रैकेट में होगा तो भाई माइनस अंदर जाएगा, माइनस प्लस को भी क्या कर देगा माइनस कर देगा, तो ये आ जाएगा 9y, ठीक है, और कितना आ जाएगा -9x, और ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/11, कितना होगा ये 11y प्लस 11x, ठीक है। 11 को कॉमन ले लो भाई, 9 को यहां से कॉमन ले लो, तो 9 अगर मैंने यहां से कॉमन लिया तो 9 कॉमन आ गया, वाई माइनस एक्स बराबर में यहां से 11 कॉमन आ गया, 11/11 एक्स प्लस में वाई, तो भाई 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए मैं यहां लेकर आऊंगा, ध्यान से देखिए। तो हम बोल सकते हैं क्या, बोलेंगे कि 9 y माइनस एक्स इक्वल टू कितना बचा हमारे पास y प्लस एक्स, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो वैल्यू होती है सामने वाली, कौन सी होती है सामने वाली वैल्यू होती है, तो y प्लस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई भाई 9, और यहां एक है तो y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई
एक। तो अब हम क्या करेंगे, दो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, एक इक्वेशन बनेगी y प्लस एक्स इक्वल टू होगा 9 के बराबर, और एक इक्वेशन बनेगी y माइनस एक्स जो कि होगा 1 के बराबर। तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बच गया भाई यहां पर कितना 2y प्लस में कितना हमारे पास बच जाएगा, यहां आ जाएगा 10 के बराबर। तो y इक्वल टू हमारे पास कितना आया 5 के बराबर, ठीक है। तो y इक्वल टू 5 के बराबर आया। अब y प्लस एक्स कितना था 9 के बराबर था, तो y प्लस एक्स अगर 9 के बराबर था तो x की वैल्यू कितने के बराबर आई 4 के बराबर। हमें निकालनी थी ब्रदर की आयु, ब्रदर की आयु कितनी थी, ब्रदर की आयु थी tan y प्लस एक्स। तो भाई ये 5 पुट करो यहां पर 4 पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा 54। तो मैं तो यही सजेशन करूंगा कि भाई ऑप्शन यूज कर लो, ऑप्शन में हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आधा तो आपके स्क्रीन में आ गया है, मैं पूरा कर देता हूं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं होमवर्क, क्योंकि वीडियो बन गई है ज्यादा बड़ी, तो ये अब तुम्हारा होमवर्क है, इसका आंसर आप दोगे ठीक है इन कमेंट। नहीं होता तो टेलीग्राम ग्रुप तुम्हें पता ही है, टेलीग्राम ग्रुप पर इसका स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज देना, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा विद वीडियो। तो बेटा इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, तब तक आप पढ़ाई कीजिए, ताकि आप ये जो लॉकडाउन वाला टाइम है इसको यूटिलाइज कर लो, क्योंकि जो बच्चा इस टाइम को यूटिलाइज कर लेगा वो ही आगे जाके सिलेक्शन लेगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सेफ रहो, मास्क लगाकर ही बाहर निकलो और अपने हाथ को बार बार साफ करते रहो, क्योंकि भाई अब हमें कोरोना के साथ ही जीना है, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक जो है वो अपने इंडिया की बहुत डाउन जा रही है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम लोगों को खुद को समझदार बनना पड़ेगा, कम से कम बाहर निकलने की कोशिश करो, ठीक है। और देखिए तुम्हारे लिए वीडियो हम बना ही रहे हैं, मेहनत कर ही रहे हैं, बस इस मेहनत का आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस मेहनत का आप यूटिलाइज कर लो, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर।